हेलो एंड वेलकम टू SRP TV अपडेट। सो दोस्तों, अभी तक हर मैडम सर फैन को यही लग रहा था कि बारबी उपाध्याय जो है वो एक पॉजिटिव रोल निभाने वाली है मैडम सर में, पर कल का एपिसोड देखने के बाद ये क्लियर हो गया है कि बारबी जो है वो एक नेगेटिव रोल निभा रही है। पर मैडम सर में ये अपडेट आया था कि बारबी उपाध्याय मतलब रूपम शर्मा जो है वो परमानेंट होने वाली है महिला पुलिस थाने में। तो वो परमानेंट कैसे रहेंगी, क्योंकि वो विलन है और मैडम सर में अभी तक कोई भी विलन परमानेंट नहीं हुआ है, तो वो कैसे होंगी। तो यहाँ पे दो चांसेस है। पहला चांस कि वो विलन ही बन के महिला पुलिस थाने में रहें और मैडम सर की टीम जब कोई भी केस सॉल्व करेगी तो बार बार तंग करना, उनके बीच में कोई ना तो कोई मुसीबत खड़ी करना, ये काम कर सकती हैं। या तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि जिनके लिए वो काम कर रही हैं और मिलके महिला पुलिस थाने को बर्बाद करना चाहती है वो सिर्फ एक नाटक है, बल्कि वो उस गैंग तक पहुंचना चाहती है जो ये सब काम कर रहा है महिला पुलिस थाने के खिलाफ, और वो महिला पुलिस थाने की तरफ ही है और वो महिला पुलिस थाने को बचा रही है, जिससे उसको सब प्लान पता चल रहा है कि क्या होने वाला है आगे, ताकि वो महिला पुलिस थाने को सेफ कर सके। सो दोस्तों, यही था आज का कुछ वीडियो। मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। और यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप लोग को बारहवीं उपाध्याय पुलिस यूनिफॉर्म में ज़्यादा अच्छी लगती है या अपने नॉर्मल कपड़ों में। अगर मैं मेरा ओपिनियन दूँ तो मुझे वो सिविल ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लगती है, पुलिस यूनिफॉर्म में दोस्तों कुछ खास नहीं लगती है। आप लोग अपने राय कमेंट ज़रूर करना। सो बाय बाय।